और है। मुंह पे धूप तो नहीं पड़ रही। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी बच्चे हैं सुबह के 8:30 और मैं अभी अभी बस उठ के आ रहा हूँ बाहर को, और आज का व्लॉग मैं यहीं से नहीं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, बज रहे हैं अभी सुबह के 8:30 और मैं उठ चुका हूँ, और मैं वैसे पहले ही उठ गया था लेकिन व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, आप बाहर देख सकते हैं आज बिल्कुल खिली खिली सी धूप आ रखी है, और आपको आज का मौसम दिखाते हैं कैसा हो रहा है। और आज लेकिन बिल्कुल भी कोहरा नहीं लगा हुआ है और बिल्कुल साफ मौसम है आज। गाइज, अभी चलते हैं और ये ब्रश करते हैं और मुँह हाथ धो लेते हैं अपना। घर वालों के तो फिर से नाश्ते की तैयारी हो चुकी है और हम अभी तो उठे भी नहीं थे। और ये देख सकते हैं मेरी बकरी, और ये रहे बिट्टू भाई। बिट्टू भाई ब्रश कर रहे हैं। बिट्टू भाई को फाइनली यहाँ ब्रश मिल ही गया। सो गाइज, मुँह हाथ मैंने पूरा धो लिया है और यहीं पर सभी घर वाले बैठ के चाय पी रहे हैं। ये धूप की वजह से थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा। मम्मी हाय, गुड मॉर्निंग। और बिट्टू भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे व्लॉग में? बिट्टू भाई कुछ नहीं बोलना चाह रहे। बिट्टू भाई अभी चाय पी रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे। अच्छा, पहले उनको चाय लेंगे। और गाइस, आज धूप आ रखी है तो इतना साफ हो रखा मौसम, तो इतना ठंडा नहीं हो रहा। तो मैं अभी शॉर्ट्स में देख सकते हैं जैसे कि, तो इतना ठंडा भी हो नहीं रहा, लेकिन शाम के वक्त बहुत ठंडा हो जाता है। सुबह भी हो रहा था, पता नहीं सुबह तो हम इतनी जल्दी उठे नहीं थे ना, पता नहीं ठंडा हो गया नहीं हो रहा था। गाइस, ये है बिल्ली हमारी। हमारी तो नहीं है, पता नहीं हमारे वहाँ आती है दूध पीने के लिए। और ये एक ही नहीं आती गाइस, 3-4 हैं अलग अलग, अलग अलग समय पे सब आती रहती हैं। और हमारा शेरू इन्हें कुछ नहीं करता, शेरू से फैमिलियर हो चुके हैं। शेरू गुड मॉर्निंग। शेरू हेलो करो। गाइस हेलो भी करता है लेकिन इसको चाटने की बहुत गंदी आदत है। रुक जा शेरू वहीं पर ही। शेरू हेलो। शेरू अरे बहुत गंदा है। चलो हेलो, देखो हेलो करता है। ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये बहुत प्यारा डॉगी है लेकिन अभी बुढ़ा हो चुका है। म्याऊ। शेरू गाइस, ये है बिरकाऊ, और ये है मेरा बोकी। बोकी तो गाइस, अभी नाश्ता बन चुका है और हम नाश्ता करते हैं अब। और आज नाश्ते में मम्मी ने बना रखी है खीर, और देख सकते हो ये हमारी पहाड़ी खीर जो चूल्हे पे बनी हुई है। और अभी ये खीर को खाते हैं। आई थिंक बहुत टेस्टी हो रही। चावल और दूध की ही है, वाली सिवई वाली खीर नहीं है, चावल वाली है। ये मेरे लिए और ये बिट्टू भाई के लिए। चलो बिट्टू भाई स्टार्ट करते हैं, और बाकी सभी लोग खाना स्टार्ट हो गए। नेहा गुड मॉर्निंग बोल दो हमारे सब्सक्राइबर्स को। हाई तो कर दे। गाइस ये दिखती नहीं होगी आपको व्लॉग में, ये बहुत बिजी रहती है ना, इस वजह से व्लॉग में आ ही नहीं पाती। और ये कुछ बोलती भी नहीं ज्यादा, पता नहीं क्यों नहीं बोलती, पहले तो बोलती थी। वैसे तो बहुत कचकचाहट करती है। हाँ वैसे बहुत बोलती है जब कैमरा बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा खुलता है ना कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती है। देखो अभी इतना कम बोल रही ना, अभी कैमरा नहीं खुला होता ना तो इसमें सब बातें बोलती होती कि मेरे को कैसा दे रही हो, इतना क्यों दे रही हो, ये क्यों दे रही हो। चलो कहीं नहीं, हम अपनी खीर खाते हैं फिलहाल। ये बिट्टू भाई हमारे। बिट्टू भाई कैसी हो रही खीर बताओ? टेस्टी हो रही है सच में, बहुत अच्छी हो रही है। सो गाइस, नहा धो लिया है हमने अभी, और कपड़े भी बदल लिए हैं, और अभी अभी नहा धो के और बढ़िया से धूप लग रखी है, और अभी ठंडा ठंडा ठंडे पानी से ही नहा रखा है। और बिट्टू भाई आ चुके हैं, अपने कपड़े वपड़े धोगे थोड़ा। बिट्टू भाई कैसा लग रहा है नहा के आज? क्या कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? ठंडा लग गया बिट्टू भाई को? बिट्टू भाई ने गर्म पानी से नहीं नहाया, मैंने भी नहीं नहाया वैसे तो गर्म पानी से, ठंडे पानी से दिन के वक्त तो सही हो रहा है वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था पानी, लेकिन नहा ही लिया। और आज तो मुझे बारिश वाला सीन लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी, मौसम बिल्कुल क्लियर है और सुबह से धूप आई रखी है। गाइस एक बात और है कि आज हम जा रहे हैं वहाँ जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था इससे पहले व्लॉग में, भागवत सुनने। तो मैं, मम्मी और बिट्टू भाई जाएंगे, हम 3 जने जा रहे हैं। अभी खाना खाते हैं हम, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि ऐसी 1-1.5 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 4-5 बजे तक रहती है, लेकिन हम ज़्यादा बोर हो गए तो हम आ जाएंगे टाइम से। लेकिन आपको दिखाएंगे वहाँ की कैसा हो रहा है सब जगह, और वहाँ से व्यू दिखाएंगे इधर पीछे को पूरा,
वहाँ से ऐसे पूरा अल्मोड़ा साइड पूरा दिखता है, अच्छे से दिखता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है मतलब उधर से, तो आपको दिखाएंगे पूरा। तो अभी तो खाना बनने को रेडी होगा। सो गाइस यहाँ पर खाना बनने लग चुका है, मम्मी बना रही है खाना, और खाने में चावल है और क्या मम्मी साथ में, ओके आज आज झोली बना रहे गाइस। अब कल रात को छान तो खानी थी हमने, अभी भी है ये, तो उसका असर दिखना चाहिए नहीं। तो ये बन रही है झोली, ये इसका बैटर तैयार हो चुका है पूरा, और ये है चावल, तो इसको बनाते हैं। चलो अभी बनेगा, फिर अभी बन जाता है थोड़ी देर में, फिर खाते हैं खाना और फिर चलेंगे सीधे उधर को भागपत सुनने। सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं और मैं जीन्स डाल ली है, और अब चलते हैं भागपत सुनने के लिए। बिट्टू भाई भी रेडी हो चुके हैं, सब देख सकते हो, और मम्मी भी रेडी हो चुकी है। और इसमें क्या है, इसमें मंदिर के लिए दूध ले जा रहे हैं। अच्छा इसमें दूध है जो हम मंदिर के लिए ले जा रहे हैं। और गाइस कहाँ है वो मंदिर, वो बहुत दूर है, वो वहाँ है वहाँ, हमें ये रोड रोड ही जाना है, रोड 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 जाएंगे फिर वहाँ से ऐसे उल्टा इधर की साइड को, तो चलते हैं अभी। सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर, नीचे रोड तक पहुँच गए हैं, और यहाँ पर चाची लोग भी आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चाची लोग आ रखे हैं, तो अब इनके साथ ही हम लोग जाएंगे, तो आपको सबसे मिलाते हैं। और शेरू भी आ गया यहाँ पर हमारे साथ, और मुझे लगता है शेरू वहीं तक आएगा हमारे साथ तक। तो गाइस चाची आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप, चाची हम मिल नहीं रहे, चाची और तुम ठीक था, सभी लोग आ चुके हैं, और बाकी लोग अभी आए नहीं है, तो उनका अब इंतजार तो क्या करते हैं, देर हो जाती है हमें, तो अभी चलते हैं हम लोग। और बिट्टू आए, बिट्टू आए तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मैंने सुना इंस्टा पे मेंशन कर रखा है, मुझे दिखाओ यार अपना, बिट्टू भाई मुझे दिखाओ यार। तो बिट्टू भाई अपने दोस्तों को सभी को हेलो बोलेंगे, बिट्टू भाई बोलो यार दोस्तों को हेलो, तो बोलो तुम्हारे बेताल घाट के दोस्त। सो गाइस हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम ईड़ा पहुंचने वाले हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा होगा यहीं पर ईड़ा है, ये पीछे गांव आ चुका है जैसे देख सकते हैं, ईड़ा का गांव आ चुका है, बस हम यहाँ ऊपर है, और ये है रोड, रोड बहुत लंबा पड़ जाना है ऐसे ऐसे दूर, तो हम यहीं से शॉर्ट ऐसे ऊपर को जा रहे हैं। और मम्मी लोग अभी वो वहाँ पर ही बैठे हुए हैं, एक तरह से ज़्यादा जूम तो नहीं हो रहा, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग, और अभी वो लोग आएंगे उस रास्ते ऐसे ऐसे होते हुए। सो ये लोग तो बहुत टाइम लगाएंगे, हम चलते हैं और ऊपर इनका इंतज़ार करेंगे। अरे आपको दिखाता हूँ कितनी दूर से आ चुके हैं ये गाइस, जो रोड दिख रही है ना आपको, इसी रोड से आए हम, फिर इसी रोड से आए हैं, तो एक्चुअल में हमारा घर वो है, सबसे टॉप वाला हमारा ही घर है, वो जो दिख रहा है आपको वाला, वो है हमारा घर, और वहाँ से हम जूम आउट करते हैं अभी, अभी हम पूरा आ चुके हैं यहाँ तक, और अभी चलते हैं। और ऊपर जाने के बाद भी हमने गाइस अभी ऐसे होते हुए ऊपर वाली रोड, अरे धूप की जैसे एक्जैक्टली दिख नहीं रहा, ये ऊपर वाली रोड पर जाना है, और वो वहाँ पर हो रहा है मंदिर का कार्यक्रम, तो चलते हैं आपको वहीं पर दिखाएंगे, अच्छे से दिखेगा आपको। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं ईड़ा पे, और हमने शॉप से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लिया क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है ना, तो कुछ ठंडा पी लेते हैं। अब मम्मी लोग अभी यहाँ पहुँचे नहीं है, वह आते होंगे तो फिर उनके साथ चलते हैं मंदिर को, और आपको दिखाते हैं फिर मंदिर में क्या क्या हो रहा है। और काफ़ी गर्म हो रही है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, अभी टाइम क्या हो रहा है, डेढ़ दो बज रहे हैं गाइस, तो डेढ़ दो बजे की धूप तो बहुत तेज़ होती है, और अभी कोक स्प्राइट स्प्राइट पीते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे को। तो गाइस हम फाइनली पहुँच ही गए हैं यहाँ तक, और हम आ चुके हैं, देख सकते हो जैसे आप यहाँ साइड में पत्थर भी कलर करते हुए बिल्कुल, और ये हल्का ये बांध रखा है, ऐसे बहुत दिन हो गए ना तो टूट गया, तो चलते हैं। आवाज़ भी आ रही होगी आपको बहुत तेज पीछे से, देखते हैं कैसा अरेंजमेंट हो रखा है सब कुछ, और दिखाते हैं मैं भी आज फर्स्ट दिन ही आ रहा हूँ, देखते हैं कैसा हो रहा है। और ज़्यादा लोग तो फिर से आ ही रखे, लोग ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक भीड़ हो रही है, चलते हैं। और ये पूरी रोड है गाइस, देख सकते हो जैसे आप, यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ रखी हैं यहाँ तक, अब चलते हैं, यहाँ हो रहा है ये रहा। तो गाइस शोर भी हो रहा है, तो शायद मैं ज़्यादा कुछ बोल ना पाऊँ, क्योंकि फिर शोर में समझ में नहीं आता ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको खाली मैं ऐसे दिखा दूँगा, चलते हैं अंदर। तो गाइस यहाँ पर आते ही प्रसाद मिलने लग गया है, क्या है ये, कुछ प्रसाद बनाया ले तू भी इसी में खा, कुछ प्रसाद बनाएगा ये है, क्या ये आलू बना रखे हैं, मीठे बना रहे हैं। अच्छा आलू है ये, मीठा आलू प्रसाद है। आओ बिट्टू भाई ले लो,
मीठे हो रहे हैं गाइस मीठे। कात्यायनी के रूप में माँ जगदम्बा इस संसार में ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई और सभी भक्त लोग इन नवरात्रियों में माँ जगदम्बा का आज छठे दिन कात्यायनी माँ का जो है पूजन करते हैं। तो गाइस हमें अभी यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है और हमें यहाँ पर करीबन 4 बज चुका है, तो अभी हम चलते हैं घर को, मैं और बिट्टू भाई। मम्मी तो बाद में ही आएगी, तो हम चलते हैं। और शेरू भी तब से हमारे साथ यहीं पर ही है और एक दो और कुत्ते हैं जिनकी इनके एक दो बार हल्की हल्की सी लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन हमने रोक लिया लड़ाई को। सो हम चलते हैं, अभी हम दूसरे रास्ते से आएंगे, पहले हम अलग रास्ते से आए थे, इस बार हम ऊपर ऊपर ही जाएंगे। सो चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं सीधे घर पे। सो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और बिट्टू भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ, और चलते हैं घर पे और देखते हैं बाकी सब क्या क्या हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके, अच्छा अच्छा हो रहा था सब कुछ। और अभी भी घर पे काम चला हुआ है, काम अभी चल ही रहा है, देख सकते हैं आप। और दीवार खिड़की के बराबर से चल रही है। अरे यार वहाँ हो गया, फिर देखा है अब थोड़ा, फिर अब इतना मन कहाँ लगता है, वो लोग वहीं हैं फिर अभी। सो गाइस वहाँ से आने के बाद वापस सुन के आए, तो उसके बाद से हम फिर से क्रिकेट खेलने चले गए अपने दोस्तों के साथ। और अभी घर आके हमने खाना खा लीजिए है, और खाना खाने के बाद अभी हम बस सोने आ ही गए यहाँ पर, मैं और बिट्टू भाई, देख सकते हो आप बिट्टू भाई तो सो भी गए हैं। सो अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।